सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। आजकल के टाइम में दोस्तों, आप सब भी ये चीज़ मानते होंगे कि ऐसी एप्लीकेशन का मिलना बहुत मुश्किल होता है जिससे कि आप जेन्यून तरीके से पैसे कमा सको कुछ टास्क पूरे करने के बदले। और ये एप्लीकेशन बिल्कुल जेन्यून है, बिल्कुल असली काम करती है और सही में आपको पैसा भी देती है। और इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ पर लगा सकते हो कि भाई, ये एप्लीकेशन जो है गूगल की तरफ से ही दी गई है, यानी कि गूगल का ही प्रोडक्ट है। जैसे कि आप यूट्यूब देखते हैं तो वैसे ही ये भी एप्लीकेशन गूगल का ही प्रोडक्ट है। और यहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, कुछ टास्क आपको पूरे करने होते हैं। अब टास्क आपको कैसे मिलेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप कैसे इस एप्लीकेशन से अर्निंग कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सिर्फ कुछ ही लोग अभी क्यों अर्निंग कर पा रहे हैं वो भी चीज़ मैं आपको सारी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एप्लीकेशन कौन सी है और इसे आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा टास्क में, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे टास्क में टाइप करोगे तो ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पे आपको गूगल LLC भी दिखाई दे रहा है, यानी कि गूगल का ये प्रोडक्ट है। और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगी जब आप डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा और आपकी लोकेशन जो है यहाँ पर ऑन रहनी चाहिए, क्योंकि लोकेशन से ये मेनली वर्क करता है। तो यहाँ पर आप जैसे देखिए ऑन करते हैं, तो अभी तो ये मेरी एक ईमेल आईडी है जिस पर कि मुझे इसका एक्सेस मिल चुका है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको मेरी दूसरी ईमेल आईडी दिखाऊंगा जिस पे भी मुझे एक्सेस मिल चुका है इस एप्लीकेशन का, तो मैं उस पे आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझाऊंगा। आपको इसका एक्सेस कैसे मिलेगा अब वो जान लीजिए। आपको इस एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन पे जाने के बाद अपनी जीमेल आईडी से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको गूगल की तरफ से या इस एप्लीकेशन की तरफ से एक मेल आएगी, उसका आपको ध्यान रखना है कि वो मेल जब भी आपको आए तो आपको उसका इन्विटेशन जो है एक्सेप्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी एक जीमेल आईडी है जिसपे कि मुझे इसका इनविटेशन मिल चुका है। अगर मैं अपनी जीमेल आईडी पर जाता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एक मेल आएगी टास्कमेट की तरफ से, जो कि 26 मई को भेजी गई है मुझे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से इनविटेशन आपको मिलेगा और इसकी क्या पॉलिसी है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ पे लिखा गया है कि इस नियुक्ति की समय सीमा, यानी कि इस इन्विटेशन की लास्ट डेट जो है 14 दिन तक रहेगी जब ये इन्विटेशन आपको भेजा जाएगा तब से। और यहाँ आपको देखिए इसका जो सब्जेक्ट है वो दिखाई दे रहा है मेल का, कि आपको टास्कमेट पर रजिस्ट्रेशन करने का न्योता मिला है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले तो, है ना। और रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है तो आपको न्योता मिल सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। अब मुझे इसका न्योता मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऑन करेंगे इस एप्लीकेशन को। तो इस एप्लीकेशन को हमने ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद अब मैं आपको देखिए अपनी यहाँ पे जीमेल आईडी जो है वो चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे खाता बदलने का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है। ये तो मेरी एक जीमेल आईडी है जिस पे कि मुझे इनविटेशन मिल चुका है, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया है, टास्क भी पूरे कर लिए हैं और अर्निंग भी मैंने कर ली है। बट वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कितनी की अर्निंग हुई है। और यहाँ पर हम अभी खाता चेंज करते हैं, अकाउंट चेंज करते हैं। और मेरी जो पहले की जीमेल आईडी है उसको चेंज करने के बाद मेरी जो अभी की जीमेल आईडी है जिस पे कि मुझे न्यू इनविटेशन मिला है उसे यहाँ पर लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लॉगिन कर लिया है। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि हमें कौन सी भाषा यहाँ पे चूज़ करनी है, तो यहाँ पे मैं हिंदी भाषा चूज़ कर लूँगा। इसके बाद आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे दिखाई देंगी जिनको आपको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी। और यहाँ पर जैसे ही स्क्रीन लोड हो जाएगी तो आपको यहाँ पर आपके टास्क भी दिखाई देने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दो तरीके के टास्क दिखाई देंगे मेनली। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फील्ड के काम और दूसरा घर बैठे काम। यहाँ पर दोनों ही काम बिल्कुल अलग है। फील्ड का जो काम है उसमें आपको नाम की तरह ही आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बाहर जाकर काम करना होगा, यानी कि कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ की आपको फ़ोटोज़ लेनी है, उनकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और यहाँ पे सेंड कर देनी है। इससे आपको बढ़िया पैसे मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू होमवर्क, यानी कि घर पे बैठे जो काम इस पर होता है उससे अच्छे पैसे यहाँ से आपको मिलते हैं। बट इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। और एक घर बैठे काम जो होता है यानी कि सिटिंग वर्क जो होता है वो आपको यहाँ पर मिलता है। उसमें आप घर बैठे कहीं भी इस टास्क को पूरा कर सकते हो। इसमें कुछ सवाल होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही इजी सवाल है। और कई अलग अलग तरह के काम भी आपको मिलते हैं, यानी कि हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना या किसी और भाषा में ट्रांसलेट करना, जो भी आप यहाँ पे चूज़ करते हो जो आपको भाषा आती है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप उसको भी पूरा करके यहाँ पर टास्क पूरा कर सकते हो, या फिर किसी ऑडियो को ट्रांसलेट करना उसकी लैंग्वेज में टाइप करके, तो वो भी यहाँ पर काम मिलता है। इसके अलावा इंग्लिश टू हिंदी जो पैराग्राफ है उसको चेंज करना, उसका भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। और यहाँ पे कई ऐसे और भी काम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इतना पैसा नहीं मिल पाता जितना कि फील्ड वर्क में मिलता है।
तो यहाँ पे ये टाइम थोड़ा सा लेगा लोड करने में पहली बार, और उसके बाद जैसे ही स्क्रीन लोड हो जाएगी कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों हमारी स्क्रीन यहाँ पे लोड हो चुकी है और हमको यहाँ पे टास्क भी दिखाई देने लग गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग में यहाँ पे इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हो और अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करते हो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला टास्क यहाँ पे दिखाई देता है, जिसके लिए आपको एक काम के लिए 7 रुपये तक मिलते हैं। ये स्टार्टिंग में आपको समझाने के लिए होता है कि आप किस तरीके से वर्क करोगे। तो यहाँ पे शुरू करें के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें बताई जाएंगी जिन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस टास्क का मकसद क्या है और इनकी जो भी पॉलिसी है उसके बारे में आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके बाद आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपनी पॉकेट मनी कमा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताई जाएंगी, समझाया जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। और यहाँ पे देखिए कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आप टास्कमेट से किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखा देते हैं, सही तरीके से टास्क पूरे करके, तेज़ी से टास्क पूरे करके, सभी टास्क पूरे करके। ठीक है, तो यहाँ पे सही तरीके से टास्क पूरे करके हम यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। तो टास्क सही तरीके से पूरा होना चाहिए, आप जिन टास्क को पूरे करते हैं उसकी समीक्षा की जाती है, यानी कि जो भी टास्क आप पूरा करते हो उसकी समीक्षा यानी कि उसका रिव्यू किया जाता है, उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं। और यहाँ पे फिर हम इसको आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको कुछ स्टार्टिंग में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे ताकि आपकी नॉलेज को परखा जा सके कि आप सही में काम कर पाओगे कि नहीं, जैसे कि बेहतर स्कोर क्यों जरूरी है। स्कोर यहाँ पे आपको मिलता है आपके काम के बदले में। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि स्कोर कम होने पर आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ठीक है, या फिर स्कोर ज़्यादा होने पर आपको ज़्यादा टास्क दिखेंगे। मेरे स्कोर का बेहतर होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे बीच वाला ऑप्शन सुटेबल हो रहा है कि स्कोर ज़्यादा होने पर आपको टास्क ज़्यादा मिलेंगे, और जब टास्क ज़्यादा मिलेंगे तो आपको अर्निंग भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम आगे बढ़े के ऑप्शन पे, फिर से क्लिक कर देंगे। हर टास्क ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ऐसा कोई टास्क नहीं है इसमें कि आपको करना ही है। आप चाहें तो किसी भी टास्क को कभी भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे कर देंगे। आगे करने के बाद हमसे फिर सवाल पूछा जाएगा, अगर आपको कोई टास्क समझ में नहीं आता तो आप क्या करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं कि उस टास्क को छोड़ दें, उस टास्क को किसी भी तरह पूरा करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे उस टास्क को छोड़ दें के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे कि ये सही है। ठीक है, इसके बाद आपसे और भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, फिर उसका सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे ऑप्शन पे और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट यहाँ पे डेमो क्वेश्चन क्या है। इसके बाद दोस्तों आपको एक ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपको कम से कम 3 भाषाएं यहाँ पे सेलेक्ट करनी है जिनकी नॉलेज आपको अच्छी खासी तरीके से है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी, तो यहाँ पे आपको तीनों ही चीज़ों पर जो है टिक कर देना है और आगे की ओर बढ़ जाना है। यानी कि आप यहाँ पे जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं टास्कमेट की, तो उसको यहाँ पे आप मानते हो और इसके बाद आप इस चीज़ को सबमिट कर देते हो। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आपके पैसे जो है आपके ऐड हो जाएंगे 7 रुपये, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज करके दिखा देता हूँ कि हमारे 7 रुपये जो है यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इसके बाद आपके सामने और भी आपके लिए जो भी आपके काम हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, जैसे कि क्या आपको टेनिस कोर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी जिसमें आपको ये पता करना है कि टेनिस कोर्ट है कि नहीं इस तस्वीर में, तो इससे आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। तो यहाँ पे किस तरीके से काम आएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे शुरू करके ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। तो स्क्रीन के ओपन होने के बाद आपको चीज़ें बता दी जाएंगी आपको किस तरीके से काम करना है। यहाँ पे हमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसमें हमको ये बताना है कि इस तस्वीर में वो जगह दिख रही है कि नहीं जो हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इमेजेस दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये है एक टेनिस कोर्ट जहाँ पे लोग टेनिस खेलते हैं। तो हमको ये पूछा जा रहा है कि इस इमेज में टेनिस कोर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस इमेज में टेनिस कोर्ट नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से अगर इमेज आती है तो उस पर हमको नहीं दिख रहा है पे क्लिक कर देंगे, और अगर आती है तो हमें ये टेनिस कोर्ट दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए ताकि आपको समझ में आ चुका है आपको किस तरीके से वर्क करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है यह टास्क कर सकते हैं, ज़्यादा टास्क पाने के लिए अच्छी क्वालिटी बनाए रखें, यानी कि आपको सही से जवाब देना है, यानी आप जल्दी जल्दी कुछ भी जवाब दे दो तो ऐसे में आपको टास्क नहीं मिलेंगे, आपकी रेटिंग ख़राब हो जाती है। तो इसके बाद आपको एक नीचे ऑप्शन दिखाई देता है, इनाम पाना शुरू करें के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर इमेजेस यहाँ पे दिखाई देंगे, आपको बताना है कि आपको इस इमेज में टेनिस कोर्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, नहीं मुझे सिर्फ इमारतें या दूसरी चीज़ें दिख रही हैं, तो मैं इसे सबमिट कर दूँगा। ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सवालों के जवाब भी देने हैं, जैसे कि इस इमेज में मुझे दिखाई दे रहा है टेनिस कोर्ट, तो हाँ मुझे टेनिस कोर्ट दिख रहा है पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा है, आप कन्फ्यूज़ हैं, तो आपको यहाँ पे बादल है या इमेज में गड़बड़ी है, इस तरीके से आप यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करके भी सबमिट कर सकते हो।
इन टास्क को पूरा करने से भी आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। जैसे कि 10 सवालों के जवाब देने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 7 रुपये से हमारा यहाँ पे जो मनी है वो यहाँ पे 70 रुपये हो चुका है, यानी कि 10 रुपये 10 टास्क के हमको मिले हैं 10 सवालों के जवाब देने के। इसके बाद हमको एक ऑप्शन और यहाँ पे दिखाई देता है, जब हम पहली बार इन्विटेशन ओके करते हैं और यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना UPI खाता लिंक करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हो UPI के थ्रू आपको यहाँ पे अर्निंग मिलेगी आपके बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके अपना UPI अकाउंट यहाँ पे लिंक कर सकते हो। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका नाम, आपका जो भी सरनेम है वो यहाँ पे लिखना है, इसके बाद आपकी जन्म तिथि, आपकी जन्म डेट क्या है वो लिखनी है, UPI ID आपको देनी है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, खाता लिंक कर लेना है। तो यहाँ से आपको अर्निंग मिल जाती है और इसे आप पे आउट भी कर सकते हो इजीली। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। आपको अपने प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपने पैसे दिख जाएंगे, आपको कितने पैसे मिले हैं, और यहाँ पे आपको अपने पैसे निकालने का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा जब आप पहली बार 100 रुपये आपके हो जाएंगे तो, ठीक है। और 100 रुपये हो ही जाएंगे जब आपको पहली बार इन्विटेशन मिलता है तो 100 रुपये ईजिली हो जाएंगे, बट ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छे तरीके से जवाब देते हो सवालों का। तो आपको अच्छी रेटिंग यहाँ पे देखिए मिलती है, और अच्छी रेटिंग अगर मिलती है तो आपको ज़्यादा सवाल दिए जाते हैं जिससे आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो आपको अच्छी तरीके से काम करना है, ये नहीं सोचना है कि आपको जल्दबाजी में कुछ भी जवाब दे देना है, इससे आपको ही बाद में नुकसान होगा। उस टाइम हो सकता है कि आपको पैसे मिल जाए बट बाद में आपको नुकसान ही होगा। तो ऐसी चीज़ें आपको पैसा ज़रूर देती हैं बट आपको भी थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है, ईमानदारी से काम करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे फील्ड वर्क का ऑप्शन भी दिखाई देता है जहाँ से आप फील्ड वर्क का काम कर सकते हो, और यहाँ पर आपको बताई जाती है कि COVID-19 के मद्देनज़र आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो आप यहाँ पर जान सकते हो। और मैंने इन्हें देख लिया, ये डालने के बाद आपको यहाँ पर आपका फील्ड वर्क दिखाई देगा कि आपको कहाँ कहाँ आपको वर्क मिल रहा है। फिलहाल मुझे इसमें वर्क इतना दिखाई नहीं दे रहा है शायद, या अभी पहली बार लॉगिन किया इस वजह से, लेकिन मेरी जो दूसरी ईमेल आईडी है उसमें मुझे काफ़ी टास्क दिखाई दे रहे थे और इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी। थोड़ा शायद इसमें टाइम लगेगा इलाके के हिसाब से लोड होने में, तो जहाँ मैं रहता हूँ उस हिसाब से, लेकिन आपको यहाँ पे भी काफ़ी टास्क दिखाई देते हैं आपके एरिया के हिसाब से। तो यहाँ से आपको घर बैठे काम तो मिल ही रहा है और उसके साथ ही फील्ड वर्क भी मिल रहा है जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। एक फील्ड वर्क का आपको लगभग 40 से 41 रुपये तो मिल ही रहा है फिलहाल, बाद में हो सकता है कि इसको और बढ़ाया जाए। एंड दोस्तों फाइनली मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि मुझे यहाँ से कितना पे आउट मिला था, और मुझे पे आउट मिला इसका मैं लाइव प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हम खाता बदलने के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, हमारी ईमेल आईडी यहाँ से चेंज कर देंगे जिस पर मुझे पहले जो है इन्विटेशन मिला था, तो उस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे फील्ड वर्क इसमें काफ़ी दिखाई दे रहे हैं बट उसमें नहीं दिखाई दे रहे थे, थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद, पहली बार अभी इन्विटेशन जो है मैंने एक्सेप्ट किया है इसलिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आपको यहाँ पे 0 बैलेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 104 रुपये मैंने इससे ट्रांसफ़र कर लिए थे। तो यहाँ पे मैंने 102 टास्क किए, और देखने में आपको लग रहा होगा कि 102 टास्क काफ़ी ज़्यादा है बट ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब मैंने इनविटेशन ओके किया, कुछ सवाल के जवाब दिए तो कुछ गलत हो गए होंगे शायद, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था उस समय, तो इसलिए मुझे 2 स्टार की रेटिंग ही मिली है। मुझे इसीलिए शायद यहाँ पे सिटिंग वर्क में इतने टास्क दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फील्ड टास्क में काफ़ी ज़्यादा काम मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी तक मैंने इसमें एक भी डन नहीं किया है क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं बाहर जाकर ये टास्क पूरे करूँ। बट अगर आप बाहर घूमते हैं, आपको घूमना पसंद है, तो आप इजीली यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना था, आगे कोई अगर और जानकारी इस एप्लीकेशन से रिलेटेड आती है या किसी और एप्लीकेशन के बारे में अगर मुझे पता चलता है जो जेन्यून हो, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलर यूट्यूब पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।